सो मच डिजिटल इंग्लिश ट्यूटोरियल वीडियोस। इट्स मी रजनीकांत तिवारी। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर आई हैड कंप्लीटेड द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट another sub category in present tense, that is present perfect tense. The auxiliaries of this tense are have and had. तो एक नए सब कैटेगरी का प्रेजेंट टेंस में प्रारंभ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी सहायक क्रियाएं हैव और हैज होती हैं। हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है सहायक क्रिया के तौर पे, और इस टेंस की मुख्य क्रिया पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म होती है। वाक्यों की रचना के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि किन किन एक्शंस के साथ किन किन परिस्थितियों में इस टेंस का यूज किया जाता है। तो देखिए, इस टेंस का यूज ऐसे एक्शंस के साथ किया जाता है जो तुरंत समाप्त हुए हों, अभी अभी समाप्त हुए हों, जैसे डैड हैज जस्ट फिनिश, डैड हैज जस्ट हैड टी। अब देखिए, इसमें एक सहायक क्रिया हैज है और ये हैड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैव की, जो मुख्य क्रिया के तौर पे इस्तेमाल की गई है। और यहाँ हैव का अर्थ है ग्रहण करना, तो हैज सहायक क्रिया है और हैड मुख्य क्रिया है। पिताजी ने अभी अभी चाय ग्रहण की है, पिताजी ने अभी अभी चाय ग्रहण की है, अथवा पिताजी ने अभी अभी चाय पी है के लिए हम यूज करते हैं डैड है जस्ट हैड टी। दूसरा एग्जांपल देखें, माय फ्रेंड हैज गॉन टू स्कूल। Consider someone came to you and asked of your friend. आप यूं कल्पना कीजिए कि कोई आपके पास आया और उसने आपके दोस्त के बारे में पूछा और आपने उसे बताया My friend has gone to school. मेरा दोस्त तो स्कूल चला गया है। He is not available. इसका मतलब कि जब वो पूछने आया उस समय के कुछ पहले ही उसका मित्र स्कूल चला गया था। तो ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एंड द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टेंस का प्रयोग ऐसे क्रियाकलाप के साथ भी किया जाता है जो पास्ट टाइम में शुरू हुआ, आज भी जारी है, और भाव के अनुसार इसमें हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं। सिंस और फार के प्रयोग के लिए आई वुड मेक ए वीडियो लेक्चर सो दैट यू मे अंडरस्टैंड वेयर टू यूज सिंस और वेयर टू यूज फार इन डिटेल।
तो देखिए ऐसा काम जो भूत काल में शुरू हुआ, लेकिन वर्तमान में भी चल रहा है ऐसे कार्य को, जैसे मैं उसे 10 सालों से जानता हूं। अगर आप एनालिसिस करें जानना क्रिया के साथ तांगू लगाए, तो आप सीधे सिंपल प्रेजेंट में भागेंगे और गलती कर जाएंगे। 10 सालों से जानता हूं का मतलब 10 सालों से जानता आया हूं, तो वाक्य को देख के कंफ्यूज मत होइएगा। मैं उसे 10 सालों से जानता हूं, आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। 10 साल को व्यक्त करने के लिए फार का प्रयोग किया गया। वे 2020 से अमेरिका में रह रहे हैं, यानी 2020 से अब तक वो अमेरिका में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो दे हैव लिव्ड इन अमेरिका सिंस 2000, वे 2000 से अमेरिका में हैं। दे हैव लिव्ड इन अमेरिका सिंस 2000। अगले यूज पे चलते हैं। देखिए इस टेंस का अगला यूज है, जो काम भूतकाल में शुरू हुआ लेकिन उसके निश्चित अवधि का ज्ञान नहीं है, निश्चित समय का ज्ञान नहीं है, ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे मैं मुंबई हो आया हूं, मैं मुंबई हो आया हूं, आई हैव बीन टू मुंबई। इट्स नॉट क्लियर व्हेन हैव आई बीन टू मुंबई, ये बात स्पष्ट नहीं है कि मैं मुंबई कब हो आया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज इस प्रकार की स्थितियों में किया जाता है। और अब चलते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई बात स्वीकार की गई होती है। ऐसे सेंटेंसेस में नॉट का यूज नहीं होता। और इस प्रकार के वाक्यों की प्रेजेंट परफेक्ट में रचना करने के लिए जो हम अंग्रेजी में संरचना लिखते हैं वो इस तरह है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया हैव या हैज का प्रयोग किया जाता है। हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। बाकी अन्य कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मुख्य क्रिया में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं।
इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले कर्ता का प्रयोग, उसके बाद सहायक क्रिया है अथवा हैज का प्रयोग, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे उसने, हाँ एक बात और ध्यान दीजिए, जब हिंदी वाक्यों में इस टेंस को हम पहचानते कैसे हैं, तो जब हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ लिया है, लिए हैं, दिया है, दिए हैं, चुका है, चुके हैं का इस्तेमाल होता है, तो ऐसे वाक्यों के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने भोजन कर लिया है, या हम भोजन कर चुके हैं, हमने परीक्षा दे दी है, या हम परीक्षा दे चुके हैं, इस तरह के शब्दांश जब हिंदी में मुख्य क्रिया के साथ आते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि इस तरह के वाक्यों के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उसने पानी पी लिया है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वह पानी पी चुका है। तो चाहे वो हो उसने पानी पी लिया है, चाहे वह पानी पी चुका है, पानी पी चुकी है, इस तरह के वाक्य आए तो यहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अब उसने के लिए ये फेमिनिन और मैस्कुलिन हिंदी में दोनों हिसाब से अप्लाई हो रहा है। उसने पानी पी लिया है, लड़की के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, लड़के के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जेंडर हम लिखेंगे ही या सी। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सहायक क्रिया हैज लगाएंगे। पीना दी अंग्रेजी ड्रिंक होता है, और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होगा ड्रंक। आरसी हैज ड्रंक, और ऑब्जेक्टिव पार्ट है वाटर। दूसरा एग्जांपल देखें, माता जी ने भोजन बना लिया है, हिंदी में अगर इसका भावार्थ देखें तो माता जी भोजन बना चुकी हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मदर, भोजन को बनाने की अंग्रेजी होती है कुक्ड, क्योंकि माता जी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। मदर हैज कुक्ड। ऑब्जेक्टिव पार्ट में भोजन आएगा फूड।
अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे. सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन.